हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंग एकेडमी। तो चलिए हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 के बारे में, और इसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, जहां पे आपसे ये पूछ रहा है कि द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले वाला स्टेटमेंट, द सरफेस ऑफ मिरर इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेन। यस, जितने भी प्लेन सरफेस आपको दिखाई देते हैं, चाहे वो टेबल का सरफेस हो, मिरर का सरफेस हो, वॉल हो, ये सब एक एग्जांपल प्लेन का होता है। टू लाइंस व्हिच मीट एट अ पॉइंट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कभी आपस में मीट ही नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये कह रहा है कि टू लाइंस मीट करेंगे, तो इसका मतलब कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। थ्री और मोर लाइंस व्हिच पास थ्रू द सेम पॉइंट आर कॉल्ड कंकरेंट लाइन। यस, वो लाइन जो सेम पॉइंट से पास करते हैं, उन्हें हम कंकरेंट लाइंस कहते हैं। पॉइंट दैट लाई ऑन द सेम लाइन आर नॉन कोलिनियर। बिल्कुल नहीं, वो हमारे कोलिनियर लाइन होते हैं जो एक ही पॉइंट पे पाए जा सॉरी वो पॉइंट्स को लीनियर होते हैं जो एक ही लाइन पे पाए जाते हैं। अ ट्रायंगल इन एग्जांपल ऑफ फिगर ऑफ हैविंग कर्विलियर लीनियर बाउंड्री। कर्विलियर बाउंड्री का मतलब बाउंड्री कर्व जैसा होना चाहिए, और ट्रायंगल के बाउंड्री स्ट्रेट होते हैं, कर्व नहीं होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। एन अटलॉट पिक्चर ऑफ बॉल रिप्रेजेंट्स अ क्लोज फिगर। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। क्लोज फिगर का मतलब होता है वो फिगर जिसमें कुछ ओपनिंग, जैसे अब ये फिगर है, ये ओपन फिगर है, बट ये क्या हमारा क्लोज फिगर है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है। टिप ऑफ द पेंसिल क्या होगा, ये पॉइंट होगा, तो यहाँ पे आप 1 लिख लीजिए। एज ऑफ ए टेबल, टेबल का एज क्या होगा हमारा, प्लेन होगा, तो यहाँ पे आप सेकंड लगा दीजिए। ठीक है, सरफेस ऑफ ए पेज इन अ बुक। सरफेस ऑफ ए पेज, एज ऑफ ए टेबल हमारा नहीं, एज ऑफ ए टेबल प्लेन नहीं होगा, ये लाइन सेगमेंट होगा, सॉरी। क्योंकि सरफेस ऑफ द बुक जो है वो हमारे लिए ये होता है, ठीक है, एज ऑफ अ टेबल ये आपका लाइन सेगमेंट होगा। यहाँ पे इसको लाइन सेगमेंट बनाइए सेकंड, और सरफेस ऑफ ए पेज इन अ बुक ये आपका प्लेन होगा यहाँ पे। ठीक है, शेप ऑफ द फुल मून, तो शेप ऑफ द फुल मून की अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा सर्कल हो जाएगा। रोम्बस क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। एंड हेक्सागन अ फिगर विद सिक्स साइड्स हो जाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इन द गिवन फिगर नेम द फॉलोइंग, क्या नेम करना है, जरा सा मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ पहले, क्योंकि मुझे इस ब्लैक स्क्रीन को नीचे घसकाना होगा, ब्लैक पैड को। यस, तो यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं 5 points, मतलब इस फिगर में आपको 5 points बताने हैं। तो अगर आप 5 points को चेक करेंगे इस फिगर के अंदर में, तो वो 5 points क्या क्या हैं? तो points ये देखिए, मैं यहाँ से आपको दिखाता जा रहा हूँ, वो भी अपने आप में पॉइंट है। तो ए बी सी डी ओ, तो आपके जो पॉइंट्स बनेंगे ए बी सी डी ओ, ये आपके 4 points है। मैंने तो 5 points लिख दिए, 5 points थे। 2 lines, अब इसमें 2 line बताने हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि जब 2 line की बात हो रही है, तो उसके 2 end points होंगे, तो आप A से B तक को एक लाइन बना दीजिए, C से D तक को एक लाइन बना दीजिए, ऐसे C से O को भी हम लाइन बना सकते हैं, O से B को भी लाइन बता सकते हैं, O से A को भी लाइन बता सकते हैं, O से D को भी लाइन बता सकते हैं। बट यहाँ पे सिंपली मैं दिखाना चाहता हूँ, तो ए बी और दूसरा लाइन सेगमेंट्स क्या होगा हमारा, दूसरा लाइन सेगमेंट्स हो गया हमारा लाइन हो जाएगा। लाइन कहा था इन्होंने, लाइन सेगमेंट कहा था, लाइंस कहा था, 2 lines कहा था। तो लाइंस के लिए आप यहाँ पे ए बी बताइए, और इसमें आप ये चाहे तो एरो दिखा दीजिए या सी डी बता दीजिए। आप इसका लाइन ऐसे ये भी चाहे तो दे सकते हैं, ए बी की जगह पे आप एक्स वाई भी लिख सकते हैं, और सी डी की जगह पे आप पी क्यू भी लिख सकते हैं। ऐसे बेहतर होगा कि आप एक्स वाई और पी क्यू ही लिखें, क्योंकि ए बी और सी डी हमारा लाइन सेगमेंट में भी आएगा। अभी हम इसको चेक करेंगे, तो मैं इसको काट ही देता हूँ, ठीक है। बाकी हमने ऊपर जो सिंबल बना दिया उससे ये सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 8 rays, अब 8 rays आपको बताने हैं। तो अगर आप रेज को चेक करें यहाँ से, तो रेज कौन कौन से होंगे, तो जैसे आप बता सकते हैं कि एक तो ओ से OB एक रेज हो सकता है, या OY एक रेज हो सकता है, ठीक है। तो ये देखते हैं, सबसे पहले OY को रे बताया, फिर हम BY को भी रे बता सकते हैं, उसी तरीके से हम OX को रे बता सकते हैं, और साथ ही साथ हम AX को भी रेज बता सकते हैं।
उस तरह से हम OC को रेंज बता सकते हैं और साथ ही साथ हम CP को भी रे बताएंगे। उसके बाद हमारा OQ भी एक रे होगा और साथ ही साथ हमारा OC नहीं OP कहिए, यहाँ पे OP रे होगा और OQ भी रे होगा हमारा, और उसी तरह से आप चाहें तो DQ को भी रे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो कहता है 6 लाइन सेगमेंट्स। अब लाइन सेगमेंट्स की बात आ गई तो अब हमारे पास कई सारे लाइन सेगमेंट्स आ जाएंगे। सबसे पहले हमने लिख दिया AB, ठीक है, फिर हमने लिख दिया CD। अब इसको इंटरनली देख लेते हैं तो हमारे पास एक OA लाइन सेगमेंट हो जाएगा। लाइन सेगमेंट बताना है ना, तो हम ये एरो क्यों लगा रहे हैं, एरो मतलब रहिएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा एरो लगाने से, क्योंकि लाइन सेगमेंट में डैश सीधा लाइन आता है। तो आइए जरा फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे आपने लिखना है AB, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे CD, उसके बाद आपको लिखना है OA, उसके बाद आप लिख दीजिए OB, उसके बाद आप लिख दीजिए OC, उसके बाद आप लिख दीजिए OD, तो ये आपके 6 लाइन सेगमेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। यहाँ से मैंने क्लीन कर दिया और इस स्क्रीन को मैं जरा सा राइट हैंड की साइड तरफ ले आऊं। नेम द लाइंस गिवन इन एट लीस्ट 10 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट ए टाइम। तो आपको यहाँ पे लाइन का नाम बताना है, ठीक है, लाइन का नाम बताना है 10 अलग अलग तरीके से, चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट ए टाइम, 2 लेटर्स को चूज करते हुए। तो देखिए यहाँ पे 10 तरीके से आपको जो लाइन का नाम बताना है बता सकते हैं, कई सारे लाइन बन जाएंगे, जैसे मान लीजिए AB, AC, AD, AE, ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं BC, BD, BE, ठीक है, उसके बाद आप बता दीजिए CD, CE, उसके बाद आप बता दीजिए DE, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तरीके आ गए। क्वेश्चन नंबर 5th को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th कहता है लिस्ट द पॉइंट्स दैट आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स को बताया जाता है टू द लाइन सेगमेंट AE, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब हो गया यहाँ पे कि कोलिनियर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो आपको लिखना है यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू हो जाएगा आपका, आप यहां से कलर चेंज कर लेता हूं मैं, वो पॉइंट आएंगे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमें, विच ऑफ द दीज आर द क्लोज फिगर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रास्ता ओपन है, ये क्लोज नहीं है, यहाँ पे देखिए कोई चीज ओपन नहीं, तो ये क्लोज है, यहाँ पे देखिए ये भी ओपन है, ये क्लोज है, तो आप इसको मैं यहीं पे लगा देता हूँ ओ सी सी ओ, ठीक है, उसके बाद आपका ये सी हो जाएगा और ये ओ हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द पॉलीगन्स। पॉलीगन्स वो होते हैं जिसके साइड्स हों, जिसमें कर्वी लीनियर नहीं होनी चाहिए, फॉलोइंग आर द पॉलीगन्स कह रहा है, तो ये भी आपका पॉलीगन्स में आएगा, ये भी आपका पॉलीगन्स में आएगा, और इसे भी हम पॉलीगन्स में रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 साइड्स के हैं, तो ये भी हमारा पॉलीगन्स में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।